बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज बच्चों के लिए जो है ना, वो बच्चों की फेवरेट चीज़ बन रही है, उसके लिए मैंने मिल्क लिया है। और मैंने 3 कप जो है ना, वो मिल्क लिया है, मेजरिंग वाले जो 3 कप होते हैं ना, वो वाले मैंने लिए हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी, क्योंकि बच्चों की जो फेवरेट है ना, वो आजकल आइसक्रीम है। और आइसक्रीम जो है, आप घर में हेल्दी तरीके से बच्चों को बना के दे तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है। तो ये देखिए, इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना, वो मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। मैंने बनाना फ्लेवर लिया, आप अपनी पसंद का ले लें। मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, क्योंकि हमें इसमें आइसक्रीम का टेस्ट चाहिए, कस्टर्ड का नहीं। तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना, वो ऐड किया है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी, और साथ ही इसमें जो है ना, वो मैं 3 टेबल स्पून जो है ना, वो शक्कर ऐड करूँगी। इसमें मैं चीनी ऐड नहीं कर रही, मैं इसमें जो है ना, वो शक्कर ऐड कर रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शक्कर ऐड किया, ज़्यादा नहीं हमने ऐड करनी, क्योंकि हमने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है। तो थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है, तो फिर आप जो है ना, वो ड्राई मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना, इसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है। बस थोड़ा सा हमने ऐड करना है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं, तो आप जो है ना, पानी में मिक्स करके ड्राई मिल्क को भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, इसमें थोड़ा ना टेस्ट अच्छा सा आ जाए। तो ये देखिए, हमारा जो है ना, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए, हमने ज़्यादा इसको नहीं करना, बस इतना ही करना है। और ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगी। ये देखिए, इतना हमें जो है ना, ये गाढ़ा चाहिए। तो अब इसको जो है ना, मैं फ्रीज़ करने के लिए रख दूंगी, और थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको मैं डिफरेंट जो है ना, फ्लेवर से बना रही हूँ। सब बच्चों के अपने जो चॉइस होती है, तो इसलिए मैंने जो है ना, डिफरेंट तरीके से बनाए हैं। ये जो है, जो अब जो है ना, एक चॉकलेट फ्लेवर बना लेते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड करूँगी, और साथ ही हमने जो ये आइसक्रीम के लिए मिक्सर बनाया, ये ऐड कर देंगे थोड़ा सा। तो ये चॉकलेट फ्लेवर बन जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर है वो बना सकते हैं। और एक जो है, वो मैं कोकोनट बनाऊँगी, इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऐड कर देंगे, और ये हमारी आइसक्रीम जो है ना, वो कोकोनट वाली बन जाएगी। घर में बनाने का ये होता है ना, कि अपनी मर्जी से फ्लेवर जो है ना, वो आप बना सकते हैं। ये आपने थोड़ा सा इसमें आप ऐड कर देना है। क्योंकि हमारे घर में जो है ना, वो चॉकलेट ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने चॉकलेट ज़्यादा फ्लेवर बनाया। बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट ही पसंद होती है, तो इसलिए चॉकलेट बनाया। और कुछ मैंने आलमंड आप ऐड कर दे, कुछ में जो उनसे आपके फेवरेट होना, वो आप ऐड कर दे उसमें। तो अब इसके ऊपर मैं फॉइल पेपर के साथ कवर करूँगी, और साथ ही हम इसके जो है ना, स्टिक लगा देंगे। ये आइसक्रीम वाले जो है ना, उसमें मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हमें छोटी छोटी आइसक्रीम ही चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए जो है ना, मैंने इसमें बनाया है। अब इसके ऊपर आप काट लगा के साथ स्टिक जो है ना, वो लगा दे। और इसको आप जो है ना, ये रात को अगर आप बनाएंगे, तो सुबह तक ये जो है ना, ठीक से हो जाती है। और बाकी जो बच गया था, उसमें मैंने जो है, डिब्बे में मैं ऐड कर दिया। कोई भी आपके पास जो है ना, एयर टाइट डिब्बा हो, उसमें आप इसको ना बना सकते हैं। तो ये देखें, बाकी मैंने इसमें ऐड करके, तो इसको आप कवर कर दूंगी। बाहर इसमें एयर नहीं जानी चाहिए। कोई भी आप अपनी मर्जी का फ्लेवर जो है ना, बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं अच्छे से जो है ना, वो कवर कर देंगे, कि इसमें जो एयर ना जाए। तो ये देखिए, ये हमारी जो है ना, आइसक्रीम जो 5 से 6 आवर आपने जो है ना, इसको फ्रीजर में रखना है, नहीं तो 1 दिन के लिए आप इसको छोड़ दें। तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बन गई है। तो हम इसको अब निकाल लेते हैं। ये देखिए, कितना यम्मी लग रही है, और बड़े मज़े की है। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, अगर आप इनको ऐसे बना के देंगे तो। और ये देखिए, ये जो हमने चॉकलेट फ्लेवर बनाया था, वो भी कितना यम्मी लग रहा है। ये देखिए, इसमें कोई क्रिस्टल कोई नहीं, बिल्कुल वैसी आइसक्रीम जैसी आप बाजार से लेके आते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी होगी, उनसे थोड़ी अलग होगी। ये देखिए, हमारी आइसक्रीम कितनी मज़े की लग रही है, और बच्चों को बहुत पसंद आई थी।
आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और भी काफ़ी मेथड्स है जो है ना, मैं आपको सिखाऊंगी आइसक्रीम बनाना। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।